हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को गुड मॉर्निंग। और कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं चूड़दार ट्रैक। हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से चूड़दार। यहाँ ये रास्ता पड़ता है 4 घंटे का, सॉरी 4 घंटे का रास्ता है। उसी ट्रैकिंग करते हैं वहाँ पर, कैसा रहता है अपना, कितना टाइम रहता है, उसी आने जाने के हिसाब से हम देखते हैं कौन सी ट्रैकिंग करेंगे। तो बाकी चूड़दार एक फेमस जगह है और बहुत ही मतलब प्रचलन में है भी। बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग वहाँ पे ट्रैकिंग करने जाते हैं। तो देखते हैं, इसी बहाने हम भी जा रहे हैं आज चूड़दार। और हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं दीपक भाई के घर से वापस हमेशा की तरह। और हेलो गाइस, चाय पी लो, गरम है, गरम गरम चाय। और यहाँ हो रही है अपनी सेवा अच्छी। तो चलो करते हैं हम अपना ब्लॉग स्टार्ट और मिलते हैं आपको चूड़दार। तो अभी हम हो गए रेडी, अभी निकलेंगे हम अपने। इसका क्यूट कालिया नाम है अपने भाई का नाम है ब्लैक ब्यूटी। तो भाई बोल रहा भाई बुरा मान जाएगी है। इसका नाम है क्यूट कालिया, है ना? क्यूट कालिया भी सही है। क्यूट कालिया सही है ना भाई? आने दे अभी तो कहाँ फुल होगा। करवाइए टंकी फुल, अभी निकलेंगे हम वापस अपनी राइड की तरफ। अभी करते हैं राइड की शुरुआत यहाँ से। तो दिखाते हैं आपको हसीन वादिया चूड़दार ट्रैक। अभी हम पहुँचते हैं चंडी माता टोल प्लाजा। ये बढ़ता है अपना पुराना किले में। पीछे और यहाँ पे लगी थी बहुत ही भयंकर आग। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको कैप्चर किया जाए। और सामने देखो कितनी ज़बरदस्त आग लगी हुई है। ऐसा लग रहा है तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है सोलन और दूसरे देशों के बीच। और वो खड़ी अपनी बाइक और ये खड़े खड़े दीपक चाचू। गाइस, अल्टीमेट व्यू आ रखा है यहाँ का, बहुत ही सेक्सी। चेक करो, ऐसे लग रहा है स्विट्जरलैंड आ गए हम। बहुत ही अद्भुत लग रहा है, मतलब राइट साइड। रोड पे ये जाती है चूड़दार, अपने सोलन से पहले ही टाइट रन हो जाता है। और यहाँ की रोड चेक करो भाई, बहुत ही खतरनाक लग रही है मेरे को तो। बहुत डेंजर लग रही है मोड एकदम। लोकेशन है ना गजब का भाई, गजब का। आज का जो सच में कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर ना मतलब हम लोग पहली बार आ रहे हैं ना, तुम पहली बार आए भाई साहब, गजब है भाई, मज़ा आ रहा है एकदम। तो अभी हम दो बार से रह गए, एक घंटे की दूरी पे। भाई जो करो वादियों को, बहुत ही अच्छी वादियाँ भाई, क्या सेक्सी जगह, सेक्सी पता ही सेक्सी यार। ओके, ये इधर का ओके बहन की।
चुके हैं हिमगिरी, ये हिमगिरी सामने की लोकेशन क्या करो भाई, कितनी क्लोज करो हो गया बहुत बड़ा। मैं जब चला रहा था रास्ता क्लीन था, जब ये आया खंडर 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 खंडर, टूटी तो दो तो बसें आ गई बीच में। तो जनाब हम आ चुके हैं बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन पे, बहुत ही अच्छी वादियों में, मेरी लाइफ की सबसे अच्छी वादियाँ है। मैंने इतने ब्लॉग बनाए, इतनी जगह घूमा मैं, बट सबसे अच्छी वादियाँ मेरे को यहाँ की लगी, और आपको दिखाते हैं यहाँ की वादियाँ, फिर आप बताना आपको कैसी लगी। पैसा वसूल है, फुल फुल पैसा वसूल, जो जितना आप देखोगे आप भी कहोगे कि हाँ भाई वाकई में अल्टीमेट लोकेशन है। तो चेक करो आप लोकेशन एक बार, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ये चेक करो। तो ये चेक करो गाइस आप लोकेशन, बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है, ये नीचे देख के सुकून मिल गया, ऐसे लग रहा है पैसा वसूल हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी चूड़दार जा रहे हैं, वहाँ की लोकेशन इससे भी अच्छी है। अपने दीपक भाई तो बोल रहे हैं कि पैसा वसूल हो गया भाई, मेरे को तो यहीं पे देख के। ये चेक करो आप, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है अभी, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये चेक करो आप।
वाटरफॉल। एक वहां पे था रास्ते पे और एक मेरा तो वही हमें रास्ते में मिला है स्काई फॉल। हम जा रहे थे चूरदास ट्रैक जा रहे थे तो रास्ते में हमें मिला था एक पीछे का वाटरफॉल, एक के रास्ते में मिला तो हमने सोचा कि ना आपको दिखाया जाए। तो हम रुके हैं यहाँ पे स्काई फॉल के रेस्टोरेंट स्विमिंग के रेस्टोरेंट है यहाँ पे स्काई फॉल रेस्टोरेंट भी है ना, इसी वाटरफॉल का नाम भी स्काई फॉल है। तो चेक करो आप, हमें दीपक भाई पहुँच गए ऊपर भाई, तो आपको दिखाते हैं पास से जाके। चलो भाई ये क्या करोगे पता ही, अल्टीमेट लोकेशन और अल्टीमेट वाटरफॉल। पूरा क्लच नहीं छोड़ सकता ना भाई, उड़ा के ले जाएगी दोनों भाई को। भाई वो देखो लिखा हुआ वहां पे देखो V2 आदमी भाई बस बस फाइनली पहुंच गए